हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक माइक्रोमैक्स 4200 का फ़ोन है। इसके अंदर लोगो ब्लिंकिंग हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो एंड्रॉयड का लोगो है ब्लिंक हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको सॉफ्टवेयर में करते हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो ये हार्डवेयर में काम है। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, इसको कैसे रिपेयर करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, 4202। तो इसके अंदर लोग बहुत सारे लोग यही करते हैं, ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन हार्डवेयर में है, मतलब इसका बैटरी का प्रॉब्लम है। तो बैटरी में आपको दूसरा लगा के दिखाता हूँ, नोकिया का, और दूसरा लगा के आपको चेक करके बताता हूँ ये ऑन होता क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इस बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रखना है, नेगेटिव को नेगेटिव पे रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी में 70% चार्ज है, 3.8, मतलब 4 पॉइंट ऊपर से लगेगा तो 80 का ऊपर रहता है, अगर 4 पॉइंट नीचे का शो हो गया तो वो 70% रहता है, 50 से 70 तक, ठीक है। तो बैटरी बिल्कुल ओके है, मतलब ये जो प्रॉब्लम बैटरी के अंदर है, लेकिन बैटरी में पावर है, ठीक है। तो बैटरी में प्रॉब्लम है और बैटरी में पावर भी है, बैटरी चालू है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस कैप को हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं आपको रिमूव करके बताता हूँ इसको। दोस्तों मैंने इसको पूरी तरह से खोल दिया है ऊपर नीचे का कैप। अभी मैं इसको एक बैटरी लगा के दिखाता हूँ ये ऑन होता क्या नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लस पे प्लस और माइनस पे लगाना है। दोस्तों ऐसे ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पिन अंदर गया है, तो इसको मैंने सीधा कर लेता हूँ थोड़ा। तो पिन तो सीधा हो चुका है, तो अभी मैं इसको फटाफट बैटरी लगा के दिखाता हूँ ये फ़ोन ऑन होता क्या नहीं होता, ठीक है। प्लस पे प्लस रखना, माइनस पे माइनस रखना है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑन कर लेता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है, एंड्रॉयड का ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब हमारा बैटरी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका माइक्रोमैक्स का जो बैटरी होता है उस बैटरी के अंदर बहुत सारे फ़ोन ऐसे हो रहा है इस मॉडल के ऊपर। तो इस बैटरी को क्या करना है मैं आपको बता के दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैटरी मैंने ले लिया, इस बैटरी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगा के उसको हीटर से, मतलब सॉल्डरिंग आयर हीटर रहता है ब्लोअर मशीन से, इसको थोड़ा हीट करना है, ठीक है। तो अंदर ऐसा हीट करने से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा 100%। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है 100% होता है, ये मेरा पास ऑलरेडी किया है दोस्तों। अगर आप ऐसा करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आज के वीडियो बस इतने, दोस्तों मिलते हैं मेरी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे मेरे एसएन इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय। That's good.